हम कढ़ाई में 3 चम्मच घी या आपका पसंद का कोई भी तेल लेंगे। उसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, 2 या 3 साबुत लौंग डालेंगे, 2-3 काली मिर्च और 1 साबुत इलायची डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम चॉप्ड की लगे लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच हरी मिर्च का टुकड़ा अदरक का चॉप किया हुआ, 1/2 हम देखिए ये धनिया का डंठल है ये हम इसमें डालेंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सोटे कर लीजिए। उसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है, जलाना नहीं है, सिर्फ इसको पकाना है। अब इसमें 1 चटकी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच बिरयानी पाउडर या कोई भी गर्म मसाला, ये 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप जितना तीखा चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। हम 2 बड़े टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, आप चाहे तो छोटे छोटे टमाटर को चॉप करके भी उसको डाल के पका सकते हैं, पर मैं अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम शक्कर का, शक्कर डालने से थोड़ा सा मीठा स्वाद आएगा और खट्टा नहीं लगेगा, और शक्कर टमाटर में डालने से उसका कलर भी एकदम रेड होगा, तो हम इसको अब धीरे धीरे पकाएंगे तब तक कि वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि उसमें से थोड़ा सा पानी बर्न हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रेवी थिक हो जा रहा है और सब मसाले की जो फ्लेवर है वो उसमें पक के और ही खुशबू आपको आएगी, तो अब हम उसको पकाएंगे 1-2 मिनट। ये देखिए ग्रेवी अब हमारी थिक हो चुकी है, तो अब इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहा है, तो हम उसमें बॉइल किए हुए चावल डालेंगे। चावल हम बॉइल करके इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे ताकि वो स्टिकी ना रहे, उसके बाद ही अब इसमें ऐड करिए। अगर गर्म चावल होंगे तो वो पानी छोड़ेगा और हमारे सारा राइस खराब हो जाएगा, तो हम इसको नरम हाथों से ही मिक्स करना है ताकि हमारे राइस मैश ना हो जाए, तो हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि सब चावल टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें चिली फ्लेक्स डालें, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, जैसे कि आपको तीखा पसंद हो। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हम उसको जेंटली ही मिक्स करना है, याद रखिए वो मेशी नहीं हो जाना चाहिए चावल ज़्यादातर, वरना क्या हो जाए कि खिचड़ी जैसे लगेगा। तो अब इसको हमने मिक्स कर दिया है, अब उसको हम ढककर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर उसको पकने देंगे ताकि वो सारा चावल टमाटर को ग्रेवी है जिसकी उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। ये देखिए कितने अच्छे चावल अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और अच्छा सा अरोमा आ रखा है, क्योंकि हमको उसने ढककर पकाया है तो अच्छी सी खुशबू आई है। अब इसको हम एक बाउल में ले लेंगे और ये देखिए हमारे चावल सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये टेंगी चावल टमाटर वाले तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम गार्निश के लिए चॉप हुए टमाटर डालेंगे, वो क्रंचीनेस जो होगा टमाटर का वो अचार राइस में अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा हम हरा धनिया को चॉप करके गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कलरफुल राइस बनकर तैयार हो चुका है और टमाटर कुछ अलग ही टेंगी स्वाद देगा। ये स्पेशल साउथ इंडियन रेसिपी है, तो हम भी ट्राई करेंगे, ये बच्चे बूढ़ों सभी को पसंद आएगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगे ये लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइएगा।